अवस्था न्यूज से। शिवपुरी में आए दिन अतिक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं और आज उसी सिलसिले में आस्था न्यूज आ चुका है शिवपुरी के अशोक विहार कॉलोनी में। यहां पर भी एक मामला सामने आया है जिसमें एक अतिक्रमण का मामला है। आइए जानते हैं आगे की खबर यहां के कॉलोनी वासियों से। ये मतलब नमस्कार सर, ये मामला क्या है? मामला ये है कि ये बोलते हैं कि हमारे को तो मतलब जो है 10 लाख रुपए दे दो पूरी कॉलोनी वालों से इकट्ठा करके और आप अपनी रास्ता मतलब जो खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हम रास्ता बंद कर देंगे। ये है कौन जो 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं और अतिक्रमण कर रहे हैं? ये राजेश राय मेडिकल वाले हैं, भू माफिया हैं ये। इनका तो मतलब जो ये धंधा है, बिजनेस है। इन्होंने पहले भी मतलब जो है उधर फतेहपुर साइड में मतलब जो यही काम किया था, उस पार्टी से पैसा ले लिया था और उधर मतलब जो है इसमें करौंदी में भी यही है। इनका तो हर जगह मतलब जो ये बिजनेस है और यही करते हैं। अभी हम लोग कहाँ से मतलब इतना पैसा इकट्ठा करके दे। आइए जानते हैं कॉलोनी की महिलाओं से कि किन किन समस्याओं का इस अतिक्रमण के चलते इन कॉलोनी वासियों को सामना करना पड़ रहा है। आंटी ये कब से परेशान कर रहे हैं आपको? एक साल हो गई। दीदी आप बताइए ये कब से परेशान कर रहे हैं आपको, कितना टाइम हो गया? 1-1.5 साल हो गया परेशान कर रहे हैं और आए दिन रास्ता बंद कर देते हैं। अब ये साक्षी भूमि है या नहीं है हमें नहीं मालूम, लेकिन ये आम रास्ता है, यहाँ से सभी लोग निकलते हैं और आए दिन परेशान किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। यहाँ दूध वाला नहीं आ पाता, सब्जी वाला नहीं आ पाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, पानी के टैंकर, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो मतलब अभी अप्रोक्स कितना टाइम हो गया है आप लोग कंटिन्यू कब से परेशान हो रहे हैं? अभी तक आपने क्या क्या कार्रवाई की है कॉलोनी वासियों ने? हमने हाई कोर्ट के आदेश से पहले ये करवाया था तो खुलवा दिया गया, यहाँ से खुल गया था, इसके बाद फिर से ये परेशान कर रहे हैं। आए दिन है ना हमें परेशान कर दिया करते हैं ये लोग और हम यही दरख्वास्त करते हैं कि ये रोज रोज की ये खत्म की जाए टेंशन और ये रोड चालू करो, निकाली जाए बस। तो आंटी आप लोग चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो और आप लोगों को मतलब हाँ, सारी समस्या? बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। दिक्कत होती है, छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन वगैरह जाते हैं, ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, दूध वाला नहीं आ पा रहा, सिलेंडर वाला नहीं आ पा रहा है, हमारा हमारी गाय है, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको बाहर नहीं जा पा रहे हैं, वो घूमने जो जाते हैं ना वो बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। कल हमारी गाय गिर गई है, उसके पैर में चोट आ गई। तो शिवपुरी में आए दिन ऐसे अतिक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अभी हमारे जानने में यह है कि ये जो राय जी हैं ये आचार संहिता के दौरान ही ऐसा करते हैं, जबकि ये आचार संहिता का उल्लंघन होगा। कॉलोनी वासियों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आस्था न्यूज के साथ कैमरा पर्सन राजीव सक्सेना जी के साथ। आंटी ये कब से परेशान क्या कर रहे हैं, क्या मतलब क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ा? अब ये हम पानी भरते हैं कुआं पे से जी, तो ये रास्ता बंद कर दिया हाँ। जी मेरे घर पास में हाँ। अब जी कुएं की जमीन तो जी कुएं के सरकारी है हाँ। अभी जी हमारे छज्जे मिटाने की बात भी कर रहे थे। अच्छा आपके छज्जे मिटाने की भी बात कर रहे हैं? और छज्जा अभी नया तो बना नहीं है, 20 साल से रह रहे हैं हम, 20 साल का बना है। तो आप लोगों की जो प्रॉपर्टी और आप लोगों के जो मकान होंगे वो तो वैलिड होंगे ना, बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे ना? तो अब ये बताओ कि जी जमीन जो तुम्हारी है नहीं तो उसको कैसे ले लोगे आप? रोड पे जब देखो तब रोड पे तो देखने को मिल रहा है, काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखते हैं कि समस्या का निदान कैसे होता है। मामले को संज्ञान में ले रहा है और इसी बीच में हमारे साथ सर आपका नाम करण सिंह बात मछुआ प्रकोष्ठ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। तो सर ये पूरा अतिक्रमण का मामला क्या है आप हमें बताए? अतिक्रमण का जो राय है ये भूमाफिया है, पूर्व में करौंदी में भी अतिक्रमण इसके द्वारा किया गया, इनकी यहाँ भी शिकायतें हुई जो हटा दिया गया, फिर फतेहपुर में भी इनके द्वारा कब्जा किया गया कई एक दो जमीनों में। क्या करती है कब्जा कर करके और उसको मिली भगत से जो तहसील स्तर कार्यालय या छोटे मोटे बाबू हैं इनसे मिलके बाद में जमीन का पट्टा वगैरह करा के उनको बेच देती है और इनकी तरीके से जाँच कराई जाए, अगर पूरा इनका रिकॉर्ड निकाला है तो इनकी कई जमीन फर्जी निकलेगी इनके नाम पर, इनकी पत्नी के नाम पर। और तीसरा अतिक्रमण ने किया क्या बोलते हैं टीवी टावर के पीछे आदर्श नगर ऐसा अशोक विहार कॉलोनी में ये मैटर इससे पहले कब्जा किया, रास्ता आम रास्ता दोनों बगल से बंद कर दिया जिसमें 4 कॉलोनी के जो व्यक्ति थे उनने बहुत कोशिश की, जब यहाँ से कुछ नहीं हुआ पूरा प्रशासन मिल गया, उस समय भी कुछ कांग्रेस पार्टी ने मदद की, उसके बाद ये मैटर हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट माननीय जज द्वारा संज्ञान लेकर और उसका अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, उस तत्समय जो कलेक्टर थे उनके द्वारा तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था। अब एक बार पुनः दोबारा अतिक्रमण कर लिया तो कॉलोनी वासी बिल्कुल उनके परेशान है,
बिल्कुल किया जाता है। मैं इस बात का खुद गवाह हूँ। दौलत राम कुशवाहा जी को मेरे सामने और तीन अन्य थे मेरे साथ, इन्हें ये कहा था आज से तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, दौलत कुशवाहा जी को, और गाली गलौज बिल्कुल की उस दिन उन्होंने। मैंने कुशवाहा जी को बोला रिपोर्ट दर्ज करा दे, कुशवाहा जी बोले चलो कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि शुक्री में अतिक्रमण का जाल किस तरह फैलता जा रहा है और किस तरीके से लोग वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। आप देखते हैं आने वाले समय में शासन इस पर क्या क्या कार्रवाई करता है, क्या क्या संज्ञान लेता है। आस्था न्यूज के साथ समीक्षा।